हेलो फ्रेंड्स, प्याली की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही पौष्टिक वेजिटेरियन डिश बनाऊंगी जो मेथी और भिंडी से बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो पहले हम तेल डालेंगे, 2 या 3 टीस्पून आप तेल डालिए। फिर उसके बाद हम डालेंगे ये जीरा और कलौंजी मैंने लिया है, जिसमें कि कलौंजी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये मैं डाल दूँगी। ये देखिए, अब इस टाइम पे मैं ये हरी मिर्ची डाल दूंगी और उसको थोड़ा सा खुशबू आने दूंगी। उसके बाद मेरे पास ये चॉप्ड गार्लिक है, तो 1.5 टीस्पून, और 1 टीस्पून है ये जिंजर चॉप। तो मैं पहले गार्लिक डालूंगी। और सूखी लाल मिर्च, और इसके बाद मैं ये जिंजर डाल दूंगी। तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी, जो रोटी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो गार्लिक और ये सब जब भुनने से अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो उस टाइम पे हम ये जो लाल मिर्च है उसको निकाल के रख देंगे। तो मैं बताऊंगी कि क्या करना है उसका। तो अब मैं इस टाइम पे इसमें ये अनियन जो चॉप्ड है, प्याज, तो वो मैं डाल दूँगी, और सॉल्ट आपके स्वाद अनुसार। तो हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। अभी से खुशबू अच्छी आने लगी है, ये देखिए। अब जो भिंडी मैंने काट के रखा हुआ था वो मैं डाल दूंगी, और थोड़ा सा भूनेंगे इसको इस तरह से। अब जो मेथी लिया है मैंने, वो बहुत चाकू से चॉप नहीं किया है, थोड़े बड़े बड़े रखे हुए हैं, तो ये मैं उसमें डाल दूँगी, और दोनों को अच्छे से थोड़ा फ्राई करेंगे। बहुत ही हेल्दी है, पूरा ग्रीन है सब कुछ। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैं थोड़ी सी चीनी डालती हूँ इसमें, तो आप ना चाहें तो मत डालिए, क्योंकि मेथी थोड़ी सी कड़वी होती है, तो चीनी से इसका अच्छा बैलेंस हो जाता है। और मैं ये 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, बहुत ज़्यादा कुछ मसाला इसमें नहीं चाहिए, ताकि ये जो ग्रीन हमने वेजीज सारे लिए हैं तो उसका फ्रेशनेस बना रहे। थोड़ा सा ढक देंगे ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने 4-5 मिनट ढक के छोड़ दिया था, अब मैं खोल के इसको देखूंगी। ये देखिए, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, इसको हिला देंगे, फिर से थोड़ा सा भूनेंगे। ये सब्ज़ी आप बना के देखिए, बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने ये टमाटर काट के रखे थे, ये थोड़ा लास्ट में डालेंगे, क्योंकि टमाटर हमें गलाना नहीं है, ताकि इसका कलर भी अच्छा आए और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बस उतना ही। ये देखिए, मैंने तिल लिया है जो मैंने ड्राई रोस्ट किया है, तो 1 टीस्पून तिल हम इसमें डालेंगे। तो ये लास्ट में ही डालना है, फिर इसको थोड़ा हिला देंगे। थोड़ा सा धनिया डालेंगे अगर है आपके पास तो, और ये लाल मिर्च जो मैंने फ्राई करके अलग से निकाल के रखा था, तो उसको हाथ से थोड़ा क्रश कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं डालना है इसको, बस क्रश करके रख लेंगे पहले। तो भिंडी और मेथी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, हम अभी सर्व करेंगे इसको, बन गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम फ्रेश ग्रीन। देखिए, बिल्कुल रोटी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो तिल थोड़ा रोस्टेड मैंने बचा के रखा हुआ था, तो वो मैं ऊपर से डाल दूंगी, और जो रेड चिली जो क्रश करके मैंने रखा था वो भी ऊपर से डालेंगे। इससे इसका जो फ्लेवर और टेस्ट है, खुशबू है, बिल्कुल डबल हो जाता है। और मैं थोड़ा सा फ्रेश लेमन जूस डालती हूँ इसमें,
तो ये अगर डाल देंगे तो बस स्वाद और अच्छा आ जाता है। चलिए नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे।